चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। रान, रंडी ना, बोलना। हूँ मैं रान, हूँ मैं रंडी। तेरे बाबा बेचौंध है साला। जो अंधों की तरह आपकी भक्ति करता है, क्यों किया उसके साथ ऐसा? स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। दोस्तों, बॉलीवुड आजकल वेब वूड बनने लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। तभी तो देखिए कई नामी कलाकारों से लेकर सभी एक्टर्स वेब सीरीज में आने लगे हैं। फाइनली अब बॉबी देओल ने भी अब वेब सीरीज की दुनिया में कदम रख ही दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, प्रकाश झा के निर्देशन में बनी एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज आश्रम में बॉबी देओल बाबा निराला काशीपुर वाले के किरदार में नजर आई है। रिलीज होने के साथ ही लोगों को आकर्षित कर रही ये सीरीज 9 एपिसोड की है। हालांकि इसके बावजूद कहानी पूरी नहीं हो सकी है। दोस्तों आपको बता दें, सीरीज को लेकर त्रिधा काफी डरी हुई थी। उन्होंने सीरीज और बॉबी देओल के काम को लेकर कई बयान दिए हैं। तो दोस्तों क्या हैं वो बयान, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, आश्रम की कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से धर्म का ठेकेदार बनकर एक बाबा यानी कि बॉबी अपराध करता है और राजनीति तक को प्रभावित करता है। वो किस तरह से अपने अपराध को छिपाता है और भोली भाली जनता की नजर में भगवान बने रहता है। सीरीज शुरुआत से ही समाज की कई बुराइयों को दर्शकों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। प्रकाश झा की फिल्मों की तरह यहाँ भी आपको सोशल कमेंट्री के साथ साथ जबरदस्त मनोरंजन भी मिलेगा। पहली वेब सीरीज आश्रम में धर्म के ऐसे गोरख धंधे की पोल खोली है जो पिछले कुछ सालों से देश में बड़े बड़े बाबाओं के व्यवहार पर बना है। कैसे ये बाबा अपने किरदार बदलता है, कभी गरीबों का मसीहा बन जाता है तो कभी हवस का पुजारी, कैसे अपनी पोल खुलने से बचने के लिए किसी की जान भी ले लेता है और जब किसी सेवक की पत्नी पसंद आ जाती है तो मोक्ष के नाम पर उसको नपुंसक तक बना देता है। जो अंधों की तरह आपकी भक्ति करता है, क्यों किया उसके साथ ऐसा? वहीं जब खुद तक पुलिस की जांच पहुंचती है तो कैसे पुलिस अधिकारियों को विषकन्या के जाल में फंसा लेता है। कुल मिलाकर पूरी कहानी बॉबी देओल के किरदार बाबा निराला और उसके मुख्य सेवादार भूपाजी बने चंदन रॉय सान्याल की जुगलबंदी को बड़ी ही बारीकी से दिखाया गया है। दोस्तों, अब जिस वेब सीरीज की थीम ऐसी हो तो जाहिर सी बात है कि लीड एक्ट्रेस घबराहट में तो होगी ही। दोस्तों, त्रिधा के बारे में आपको बता दें, बांग्ला और तेलुगु फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री त्रिधा चौधरी धारावाहिक दहलीज से चर्चा में आई थी। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई वेब सीरीज और विज्ञापनों में भी काम किया है। कोलकाता की त्रिधा ने 4 साल की उम्र से ही ओडिसी डांस सीखना शुरू कर दिया था और कई स्टेज परफॉर्मेंस भी दिया है। फिलहाल उनकी जबरदस्त वेब सीरीज आश्रम रिलीज हो चुकी है जिसमें उन्होंने एक सेक्स वर्कर की भूमिका निभाई है जो अपने अतीत को भूलकर नए सिरे से अपना जीवन शुरू करना चाहती है। दोस्तों आपको बता दें, जब त्रिधा से पूछा गया कि आपको वेब सीरीज आश्रम के बारे में फर्स्ट टाइम बताया गया था तो आपके मन में क्या चल रहा था, तब त्रिधा ने बताया कि मैंने अभी तक अधिकतर मैच्योर भूमिका निभाई है। जब मुझे ये भूमिका मिली तो मैं डरी हुई थी क्योंकि सेक्स वर्कर की भूमिका निभाना आसान नहीं होता। इन महिलाओं को लोग अच्छी नजर से नहीं देखते, महिलाओं की भावनाओं को लोग नहीं समझते। इस शूट को खत्म करने के बाद मैं बहुत भावुक हो गई थी और ये सोचकर रोई थी कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं कैसे रह पाती। ये चरित्र मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। इसमें मैंने समाज का जो घिनौना चेहरा है उसे दिखाने की कोशिश की है। छोटी छोटी बच्चियां तक बलात्कार का शिकार होती हैं और ऐसे में लड़की मुंह दिखाने के लायक नहीं होती जबकि उसकी गलती कुछ नहीं होती। मुझे दुख इस बात से है कि इस फिल्म के हर दृश्य में संदेश को न देखकर लोग सेक्स और अनएथिकल बातों को खोजते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। ये हमारे देश के यूथ के लिए शर्मनाक है जो कहानी की गंभीरता को न देखकर उसकी मीम्स बनाकर कलाकार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आगे जब त्रिधा से ये पूछा गया कि उनको बॉबी के साथ काम करके कैसा लगा, तब त्रिधा ने बताया कि ये सब उनके लिए नया था। मैं पहली बार बॉबी के साथ काम करने वाली थी, मैं काफी नर्वस थी लेकिन बॉबी के साथ काम करना बेहद खास रहा। बॉबी ने मेरा किसी तरह से फायदा नहीं उठाया और काम में काफी अच्छा साथ दिया। मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो गई थी, आगे मुझे उनके साथ काम करने में कोई नर्वसनेस नहीं हुई बल्कि मुझे काम करके अच्छा लगा। बाकी दर्शक भी अब हमें साथ में काफी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या आपको भी आश्रम वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट पसंद आया? कमेंट में यस या नो जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।